हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो देखने से लग ही रहा होगा, ये है भाई दूज व्लॉग। हमारा व्लॉग नहीं बोलेंगे इसको, सिंपल वीडियो ही बोलूँगी, क्योंकि व्लॉगिंग इसमें कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम टीका वगैरह लगाने के लिए। सो इसलिए ज़्यादातर आपको जो भाई दूज देखने को मिलेगी वो थ्रू हमारी क्लिप्स मीन्स फोटोज़ के थ्रू ही मिलेगी। तो ये है 12 बजे का सीन। सपना भी काफ़ी देर से वेट कर रही थी बच्चों की, कि बच्चे नहीं आए, और मैं भी वेट कर रही थी कि भाई बच्चे आ जाएं तो मैं भी मायके के लिए जाऊं निकलूं। तो फाइनली सब बच्चे आ गए हैं, और एक्चुअली बच्चे गए थे एकेडमी, थोड़े उनके मैचेस वगैरह का सीन था, कल से ही चल रहा है, तो इसलिए बच्चे थोड़े हो गए थे लेट वापस आने में, सुबह जल्दी निकल गए थे ये, तो हम इस चक्कर में काफ़ी लेट हो गए। तो 12 बजे सपना ने बच्चों को टीका वगैरह लगाया, और 12:15 बजे हम निकले। हम ऑलरेडी लेट थे और मम्मी के घर जाने के लिए, तो फटाफट से बच्चों ने ये दिन मनाया। तो इसी चक्कर में मैंने कहा कि मैं फटाफट से अब आपकी सिंपल वीडियोस ही बना लेती हूँ, व्लॉगिंग आज कम करते हैं सो दैट टाइमली पहुँच जाएँ, क्योंकि उधर जाने के लिए भी मुझे कम से कम भी 1.25 घंटे जो है हमें लग जाते हैं, तो ड्राइव करना और उसके बाद जल्दी जल्दी वापस भी आना, क्योंकि अंधेरे जब हो जाता है ना तो भले साहब बोलते हैं कि ड्राइव नहीं करना अंधेरे में, तो आप जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ। तो इसलिए आज ये प्रोग्राम थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, तो फटाफट से जो इनकी छोटी वाली बुआ हैं वो भी आ गई हैं, और जो बड़ी बुआ थी वो आई हमारे जाने के बाद, मीन्स जब भले साहब लंच करने घर आए ना, तो फिर इसलिए उनका कोई शूट नहीं है बीच में। मैंने कहा था वाले साहब को कि जब दीदी आएंगी तो आप छोटा मोटा एक वीडियो या फोटो उनके साथ खींच लेना, पर वो दोनों ने किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये भी फटाफट से काम हो गया। तो बस नील भी आया था तो उसके साथ छोटी दो चार फटाफट फोटो खींची हैं, और फटाफट से हम 2:30 बजे तक, मतलब हम जो है अपने बच्चे अपने नानू नानी के पास पहुँच गए। तो ये नानी के घर का सीन है, तो मंदिर में बैठे सजा के सब बैठे हुए हैं, मम्मी ने ऑलरेडी सारी तैयारी करके रखी थी। तो ये भगवान जी मंदिर आ गया, और मम्मी ने थाली वाली सजा के रखी थी ऑलरेडी, और मैंने आपको बताया था ये मम्मी पापा हैं। मैंने आपको पहले से बताया था कि बचपन से ही ऐसी आदत है हमें कि जो भी दिन सेलिब्रेट करना है, त्यौहार फेस्टिवल जो भी सेलिब्रेट करना, अच्छे से पूरे ढंग से, ऐसा नहीं कि खड़े खड़े चलते चलते आप टीका लगा रहे हैं, खड़े खड़े राखियाँ बांध रहे हैं, तो प्रॉपर मंदिर में बैठते हैं सब कुछ सजा के। और ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, तो हमने आज प्लानिंग करके ही दोनों ने साड़ी पहन के रखी है, और ये सामने मेरा ब्रदर है, पीछे हैं श्रेया, श्रेया को आप अच्छे से जानते हैं पहले से। तो बस ये चल रहा है हमारा भैया दूज, बारी बारी से सबका टीका लगेगा। ये भाभी हैं, तो भाई की जब जय करनी है तो भाभी की तो उससे पहले करनी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि भाभी की वजह से ही जो होता है घर हमारा मायका हमें अच्छा लगता है, त्यौहार सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। तो भाई के साथ भाभी की पूजा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाभी ही तो होती है हमारे घर की लक्ष्मी, है ना, उसी की वजह से सब कुछ अच्छा लगता है, त्यौहार अच्छे लगते हैं, और मायके जाना भी अच्छा लगता है। तो दिवाली की छुट्टियों में दोनों आए हुए हैं, और उनका इधर आपको एक शरारती सा बेटा भी नज़र आएगा, जो पहले से भी आपने व्लॉग में देख रखा है। तो अब जो है फोटोशूट से ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो चलो फटाफट से भाई दूज का आनंद लेते हैं हमारे फोटोशूट के रास्ते।